What is good, कैसा है शांकुल है coming at you from my terrace. पानी डाल रहा हूँ अभी पेड़ों को और हाँ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं पानी डालता हूँ पेड़ों को. And I need all of you to stop what you're doing and listen. जैक फ्रूट के चिप्स, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं जैक फ्रूट को, लेकिन मराठी में फनस कहते हैं. एंड आई एब्सोल्युटली हेट जैक फ्रूट. मुझे जैक फ्रूट के स्मेल से भी उल्टी आती है. बट इसके जो चिप्स हैं दे आर सो सो एडिक्टिव, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं. ऑल्सो डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बातें होने वाली है बहुत सारी बातें, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बहुत सारे नज़ारे वज़ारे दिखाने वाला हूँ स्टूडियो में, तो ये वो वीडियो नहीं है, सॉरी. ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेमोरीज, जो कि इस वीडियो का टाइटल है. और यादें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ज़िंदगी का. इनफैक्ट आज ही द डे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इरफान जुनेजो द क्रिएटर आई एडमायर हैज अपलोडेड अ वीडियो ऑन हिज चैनल, जिसमें उसने कहा है कि जिंदा रहने में और ज़िंदगी को जीने में बहुत फ़र्क होता है. एंड समवेयर आई बिलीव कि वो जो फ़र्क होता है दैट इज़ मेकिंग मेमोरीज. वैसे सच कहूँ तो मैं अभी भी उतने पिक्चर्स नहीं लेता हूँ, माई फ्रेंड्स कैन टेस्टिफाई इन द कॉमेंट्स. बचपन की फोटोज है काफ़ी, आई थिंक टिल द टाइम आई वॉज 10, वो फोटो एल्बम्स में जो खींचे हुए फोटोज़ हैं वो उसमें से कुछ मेरे पास है, बाकी होंगे शायद नानी दादी के घर पे, ढूंढने पड़ेंगे. बट जैसे मैंने शायद किसी एक वीडियो में पहले बोला भी है कि 10 से लेके 16 साल की उम्र तक के मेरे पास हार्डली कोई फ़ोटोज़ हैं, और जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो सब भी मैंने नहीं निकाले हैं, किसी दोस्त ने अगर लिए होंगे तो वो है. अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं 11 साल का था तभी US के ट्रिप पे गया था फुटबॉल खेलने, और 13 साल का था तभी स्वीडन की ट्रिप पे गया था अगेन फुटबॉल खेलने. उन ट्रिप्स के मेरे पास है 0 फ़ोटोज़, और सिंस 0 फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, कुछ रिकलेक्ट करने के लिए उतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं. जबकि मेरे मॉम डैड की शादी की फ़ोटो है हमारे पास, तो मेरे को पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे दिख रहे थे वो लोग, इवन दो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड स्टिल. कॉमेडी. और फिर बस एक पॉइंट पे आके मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई कुछ यादें हैं ही नहीं. अभी एक वीडियो एक फोटो से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में कैप्चर कर सकती है. तो हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करना ऑन द चैनल, ऑकवर्डली ही सही थोड़ा फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जैसे आगे गया तो सीखते गया कंफर्टेबली कैमरा के सामने बात करना, नहीं तो कट्स तो है ही. फिर बाद में हुआ क्या कि कुछ कुछ चीज़ें मैं एक्चुअली वीडियोस के लिए करने लग गया, मतलब जस्ट बिकॉज वीडियो बनानी थी तो आई वेंट आउट ऑफ माई वे और कुछ कुछ चीज़ें करी, जैसे खाना बनाना. मैं यूजुअली कभी किचन में एंटर भी नहीं करता, लेकिन वीडियोज़ के लिए काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ही की मैंने.
तो ऐसे एक तरीके से मेमोरीज बनती गई। कुछ कुछ तो रेगुलर सी चीज़ें जो बहुत कॉमन होती हैं हमारे लाइफ में, जो हमें याद भी नहीं रहता कि हमने ये की भी थी, वो व्लॉग के वजह से बहुत सिंपल सी चीज़ें भी यादगार बन गई और वो हमेशा अभी याद रहेंगे मुझे जस्ट बिकॉज दे आर इन द व्लॉग। जैसे कि घर की सफाई, मंदिर जाना, आम तोड़ना, लाइफ में बहुत सारी अजीब चीज़ें की हैं और जब कैमरा सामने होता है तो और भी ज़्यादा अजीब चीज़ें करने का मन करता है, तो वो भी कुछ किए हैं। जैसे कि एक ट्रेन के साथ कैमरा लेके भागना, पहाड़ पे जाके चिल्ला के गाना और पब्लिक में एक स्टूपिड सा बोर्ड लेके घूमना जस्ट फॉर द वीडियो। इस सब में से इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं डेफिनेटली भूल जाता क्योंकि दे वर जस्ट वेरी रेगुलर और काफ़ी सारी चीज़ें तो शायद होती भी नहीं। दोस्तों के साथ जब भी एक ट्रिप या आउटिंग होती है वेन एवर आई एम व्लॉगिंग, वो अपने आप में एक वीडियो बन जाता है और मतलब यू नो एक ऐसी मेमोरी बन जाती है जो वी कैन लिव थ्रू अगेन। और बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स उन दिनों के कैप्चर हो जाते हैं जो शायद खो से जाते हैं। नॉट गोना लाइक, कभी कभी मैं अपनी ही वीडियोस देख के हंसते रहता हूँ, मुस्कुराते रहता हूँ कि क्या फालतूगिरी कर रहा था मैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वैसे ये ज़्यादा ही मेमोरेबल होते रहने वाला है एंड आई एम ग्लैड कि ऐसे यादें बन रही हैं। वी ऑल आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स एवरी डे, बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ें, चीज़ें जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं लोगों से, चीज़ें जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, और ये बहुत कॉमन बात है सब में। एवरी पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, बट इन सारे चीज़ों के बीच में ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जो मोमेंट्स बन जाते हैं अच्छे वाले, उनके सहारे ही हम लटक जाते हैं। बेसिकली वी कीप हैंगिंग ऑन बिकॉज ऑफ मोमेंट्स लाइक दिस। वही सब कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम्स जितनी भी बड़ी हो छोटी हो एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है और याद रहेंगी, तो बस ये छोटी छोटी जो खुशियाँ थी। सो या डेफिनेटली वुड रिकमेंड यू टू कैप्चर मोर मेमोरीज टू, लेकिन हाँ ये भी याद रखना कि एक्चुअली लिव इन द मोमेंट ऑल्सो, मतलब सिर्फ फ़ोन के पीछे या कैमरा के पीछे मत रहना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा कैप्चर, क्लिक मोर पिक्चर्स, टेक मोर वीडियोस। मैं भी पिक्चर्स अपने थोड़े बढ़ाने वाला हूँ, तो अगर इंस्टाग्राम पे आपको ये दिख जाए तो समझ जाना कि हाँ आई एम कैप्चरिंग मोर मोमेंट्स। सच कह रहा हूँ, अभी कैप्चर करने के बाद एक फ़ोटो या वीडियो आपको जितनी भी गंदी लगे, जितनी भी वाहियात लगे, दो साल बाद या एक साल बाद भी पकड़ लो, आप मुड़ के उस फोटो या वीडियो को देखोगे ना, आप मुस्कराओगे या फिर कुछ ज़्यादा ही खास है तो आप शायद रो भी दें। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये सब खुद के लिए खींचें, दूसरों को दिखाने के इंटेंशन से ना खींचें, तो ही वो प्योरिटी कैप्चर हो पाएगी। और बस यादें बनाते रहो, एक चीज़ तो गारंटीड है कि रिग्रेट नहीं करोगे इसको। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक। स्टिकर लगा लेते हैं, एक ही स्टिकर है फिलहाल जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था लेकिन लगाया नहीं था, तो वो देख लो अभी। एंड विद दैट इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बकबक की है मैंने इस वीडियो में, थोड़ी शायद सेंसिबल हो और बाकी शायद सेंसिबल ना भी हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एनीवे मैं निकलता हूँ। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, पुट अ कमेंट डाउन बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब। इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय, दैट्स ऑल, आई एम निक, तो वेट, आई एम लव, कैरेज, गुड बाय, आई एम हास्ता लुएगो।